चाहे पति पत्नी या वो हो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और एक्स आपकी जिंदगी चप बन जाती है जब आपके सिर पे ब्लैक मेलिंग का साया द पर्सन हुम यू थॉट टू बी अ मैच मेड इन हेवन फॉर यू नाउ इज हेल्प मेकिंग योर लाइफ वेल यू हैव गेस्ड इट राइट टूडेज टॉपिक इज अबाउट ब्लैक मेलिंग क्या करना है इफ़ योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आई मीन एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर कोई और आपको परेशान करे या फिर बैकमेल करे तो हाउ टू गिव देम द किक बैक द टेस्ट ऑफ व्हाट दे हैव गिवन वेलकम बैक एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल रिलेशनशिप्स ऑफन डजेंट वर्क ऐसा नहीं कि हर रिश्ता चलेगा वैसा कुछ गारंटी वारंटी तो है नहीं रीजंस बहुत सारी हो सकती है प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते के अंदर कड़वाहट पैदा हो जाता है फिर आगे चल के दोनों पार्टनर्स में से कोई एक साइड हो जाता है फिर क्या होता है ब्रेकअप लेकिन वो ब्रेकअप से भी ज़्यादा भयंकर स्थिति तब बन जाती है कब जब आपके वो एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब फ्रेंड जब स्टार्ट टू ब्लैक यू ये ब्लैकमेलिंग होता कैसा है और होता क्या है वेन समन ट्राइज टू फोर्सफुली और बाई यूजिंग एनी टेक्निक जिससे कि वो आपसे कुछ काम निकलवाना चाहता है अपने फायदे के लिए ठीक है थ्रेटन करता है आपको अबाउट सम कॉन्सिक्वेंस कि ये करो नहीं तो वो होगा ये करो नहीं तो वैसा हो जाएगा समझे और ये ब्लैकमेलिंग कैसे कैसे तरीके से किया जाता है मान लो जैसे कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो कसम से आई स्वेयर ऑन गॉड जितने भी प्राइवेट फोटोज वीडियोज है ना सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा क्या चूतिया आप भाई दूसरे को नंगा करने के चक्कर में आप खुद भी नंगा हो जाते हो लेकिन ये समझता कौन है गुस्से में आके हर कोई वैसा करता है एनीवेज एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा होता है अपार्ट फ्रॉम दिस वो लोग ऐसे आपके नाम पे बोल सकते हैं कि आई विल फाइल अ फॉल्स केल्स अगेंस्ट यू चीटिंग के लिए तुमने रेप किया ऐसा करके भी वो बोलेंगे मैरिटल डिस्प्यूट के केसेस में जैसे होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस कुछ किया नहीं होगा मेरे सास ने मुझको मारा मेरे ससुर ने मुझको तोड़ा पति ने ये किया वो किया एक रुपए का दहेज का लेन देन नहीं हुआ होगा डाउरी मांग रहे हैं बहुत लोग परेशान होता है और सबसे भयंकर तो ये होता है कि जब सामने वाला आपको बोल दे कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस फॉर मी ंग टू कमिट सुड गजब। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है आई मीन किसी के साथ भी अगर आपके ब्रेकअप के बाद आपका एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स वाई जी सी बी जी कुछ भी हो वहाँ पे करना क्या है आपको खुद को नहीं मारना है डिप्रेशन में नहीं जाना है कानून को समझना है यस समझना है एंड देट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू Come out of this all creepy situations. Well, as per law, blackmailing is a form of criminal intimidation, which is a punishable offence. So, as per Section 506 of IPC, जो भी blackmail करता है ना वहाँ पे उसको दो साल तक का imprisonment, fine या दोनों लागू हो सकता है उसके ऊपर. और अगर blackmailer पैसा demand करता है वही आपके एक्स वाई जी अगर पैसा कोई डिमांड करता है कि रिलेशनशिप में थे ये था वो था ब्ला 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 वहाँ पे मेरे को पैसा दो नहीं तो ये कर लूंगी वो कर लूँगी दैट पैसा वाला थिंग व्हेन इट कम्स इनटू पिक्चर वो हो जाता है एक्सटोर्सन एंड वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस ऑफेंस है ब्लैक के ऊपर तो वहाँ पे आ जाते हैं अपने आई पी सी थ्री एटी फोर और उनके हिसाब से क्या होता है अगर कोई कमिट करता है एक्सटोर्सन कोई आपको पैसा डिमांड करता है ब्लैक मेलिंग के ज़रिए तो उसको तीन साल तक की सज़ा फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं और उससे और एक कदम ऊपर जो आता है ना थ्रेट कॉजिंग डेथ या फिर कोई भी ग्रीवियस हर्ट टू द पर्सन ऐसा करो नहीं तो वैसा कर लेंगे तो कान को पूरा ऐसा चौड़ा करके खोल के सुन लो वहां पे सजा आपको दस साल तक की हो सकती है प्लस फाइन तो ये जो भद्दा भद्दा चीजें दिमाग में रखते हो ना मत करो वेल well, सो so, ऐसा सिचुएशन आ गया तो आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू न्यूट्रलाइज द सिचुएशन कैसे जब आपका वो ब्लैकमेलर आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि देख भाई ऐसा कर नहीं तो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल आर पर्सनल थिंग्स फिजिकल रिलेशनशिप वैसे टाइप का कुछ भी विथ योर पेरेंट्स आपके घर वालों को बोल देंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो पहला आपको ये कदम उठाना है कि आपको खुद से जाके घर वालों को ये सब बता देना है आई नो इतना इजी नहीं है कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है ऐसा सोचने से भी दिमाग में सब स्कैरी स्कैरी थॉट्स आ जाते हैं बट ट्रस्ट मी बेस्ट ऑप्शन है कोई आपको बाहर वाला बोल रहा है ना उससे बेहतर है कि घर वाले गाली करेंगे और क्या करेंगे घर से निकाल देंगे नहीं ना तो घर वालों के साथ पहले आप सब कुछ अच्छे से शेयर कर लो ट्रस्ट मी यू वीन अ बेटर पोजीशन बहुत अच्छा हल्का हो जाओगे मेंटल जो हेरासमेंट वगैरह है ना उससे तो निकल ही जाओगे पहली बात घर वालों से सब शेयर कर लो कि ऐसा ऐसा सीन चल रहा है ऐसा कोई मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है जो भी है जो भी आपके पास आ, चैट्स वगैरह रहता है या फिर कॉल रिकॉर्डिंग्स है उसको अच्छे से सेव करके कर रख लीजिए ताकि वो बाद में आगे चल के आपके केस में एविडेंस के तौर पे काम आएंगे यू कैन सेंड अ लीगल नोटिस थ्रू योर लॉयर सो दैट व्हाट विल हैपन इज़ व्हेन द ब्लैकमेल फाइल्स एनी सॉर्ट ऑफ फॉल्स केस अगेंस्ट यू दैट लीगल नोटिस विल सपोर्ट यू एंड हेल्प टू प्रूव दैट yes the blackmailer was trying to blackmail you, and put you inside all these false cases. Mostly it works. ज्यादातर जगह पे ये लीगल नोटिस काम कर जाता है और अगर नहीं करता है तो आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाके उस बारे में एफ दे सकते हैं इवन यू कैन फाइल सिविल सूट फॉर इंजेक्शन और रही बात अगर कोई बोलता है सोशल मीडिया वगैरह पे वायरल करने का देन वो टाइम पे यू कैन फाइल अ कंप्लेंट द वेबसाइट ऑफ एनसीसीआर पोर्टल होता है ना वहाँ पे इन केस ऑफ साइबर थ्रेड्स सोशल मीडिया वाला और अगर कोई आपको आपके नाम पे कोई ऐसे फॉल्स केस वगैरह दे दिया है तो दैट कैन बी कॉस्ड बाय अप्लाइंग बिफोर द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी सो अगर इफ़ समवन वन थिंग्स कि ये कानून का ऐसा नाजायज फ़ायदा उठा के वो बच जाएंगे निकल जाएंगे बॉस सॉरी टू लेट यू नो आप जो सोच रहे हो ना कानून के बारे में कि उसका मिस यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हो कानून आपके सोच से परे है अगर कुछ भी ऐसा करते हो ना तो दैट विल डेफिनेटली किक यू बैक एंड यू लैंड अप इन जेल उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है जो दोस्त लोग हैं ऐसे प्रॉब्लम में फंसते हैं या परेशान होते हैं उनको एक ही चीज़ बोलना है कि भाई अगर आप गलत नहीं हो तो डरना है ही नहीं आप नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग देन वाई टू गेट टू ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थ्रेड्स परेशान होना नहीं होना है देखो भाई सिंपल सा फंडा है नो वन कैन फोर्स यू टू स्टे इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे कि नहीं बनता है कंपैटिबिलिटी नहीं है हु इज़ नॉट कंपैटिबल फॉर लाइफ नहीं है तो नहीं है क्या कर सकते हैं हर रिश्ता बनता है बिगड़ता है एवरी एवरी थिंग कांट रन स्मूथ राइट तो किसी किसी का चल जाता है किसी का नहीं चलता है अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता है तो आप जान लो कि वहाँ पे कोई प्यार मोहब्बत है ही नहीं ऑल एवल एंड ईल इंटेंशंस विद इन दम उनके दिमाग में कुछ गु भरा पड़ा है तभी जाके कोई आपको ऐसा करता है सही में अगर आपसे कोई प्यार करता है और आपके बीच में नहीं बन पाता है देन क्या होगा ब्रेकअप हो गया तो ठीक है यू यू गाइज वेल पार्ट अ पार्ट आप अपने रस्ते वो अपने रस्ते ब्रेकअप को वो एक्सेप्ट करेंगे ना कि किसी को परेशान करेंगे समझे तो प्यार का नाम पे ये सब बकवास चीज़ें नहीं क्या बंद करना ज़रूरी है स्टे हैप्पी स्टेब्लेस्ड मिलते हैं जय हिंद